यो गाइस वेलकम टू माय चैनल आई एम चौधरी एंड टुडे वी आर गोइंग टू प्ले पबजी मोबाइल रैंगल गेम प्ले। तो फिलहाल मैं कुछ सेटिंग कर रहा हूँ, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। तो फिलहाल हम लोग उतर रहे हैं। अभी हमारा फिलहाल तो प्लान था कि भैया हम लोग उतरेंगे टेंट में, पर टेंट में फिर बाद में हमारा मूड ख़राब हो गया। मतलब भैया हमारा अगर ऐसा हो कि आप टेंट कहीं और उतर रहे हो तभी रश गेम प्ले हो और तभी आपका टीममेट बोले कि भैया तो हम लोग ना सेफ गेम प्ले खेलें, तो आपका कैसा मन होगा भैया कमेंट सेक्शन में बोलना। मतलब आपका पूरा मन था आज कि भैया हम खेलेंगे कि गेम प्ले फुर गेम प्ले सेफ मतलब रश, लेकिन फिर आपका टीममेट बोलता है कि भैया हम लोग सेफ खेलेंगे, तो कैसा आपका फिलहाल ओ क्या बोलते हैं वो होंगे रिएक्शन कमेंट सेक्शन में इमोजी की बताना या फिर या चैट करके बताना। फिलहाल तो हम लोग गटका उतर रहे हैं, बोला भैया तो फिलहाल तो अभी हम लोग गटका के लिए निकल ही रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। फिलहाल तो हम लोग पैराशूट की स्किन जो ऑफ नहीं है यार, क्या यार होना पड़ता है तो ये बोलना पड़ता है भैया, क्या समझ जाओ। तो भैया बस देखना मेरा यहाँ पर क्या गलत होता है। मैं ऊपर कूदा लेकिन मैं नीचे लैंड कैसे हुआ कमेंट सेक्शन में बोलो भैया। यहाँ मुझे ग्रेनेड मिल गया, मैंने कहा भैया ग्रेनेड का क्या चार डालूँ मुझे गंद भैया। आगे जाके मुझे P92 सॉरी डेजर्ट ईगल और एक वो मिल जाती है, क्या बोलते हो उसे हाँ एक क्या मिल जाती है, हाँ डेजर्ट ईगल मिल गई। अब इसी घर में मेरी एक क्या मिल जाएगी मुझे 3x के साथ। आराम से लूट कर रहे हैं, बस एक ही किल हुआ इस गेम प्ले में पूरा, जो कि बॉट था। बॉट तो नहीं था, इंसान ही था जो एक इंसान को मार रहा था, बॉट को मार रहा था। तो भैया मिनी 14 ने जो स्प्रे पड़ता है उसके भैया बस देखो, बंदा प्रोन हो गया फिर भी उसे हेडशॉट दिया मैंने। हमारा टीममेट आगे जाके लूटा है, सोच रहा हूँ ये इसके पहले मैं लूट कर लूंगा, इससे पहले जाके मैं लूट कर लूंगा। लेकिन भैया कहाँ आऊँ, तो अगर ये शेर है ना तो हम भी सवा शेर है, तो वो कह रहे चोर चोर चोर। अब यहाँ पर मैंने पहले से एक टीम घुस गया, मैंने कहा ठीक है भैया नो प्रॉब्लम, यहाँ पर एक किल भी हुआ तो मैंने कहा चलो ठीक है देखते हैं। मैंने सोचा भैया एम सिक्स में रखते, लेकिन फिर मेरे दिमाग में भी थॉमसन ज़्यादा अच्छी है, मैंने थॉमसन ले ली बाद में। फिलहाल तो हम लोग वापस जा रहे हैं, हमारा मैसेज आया नो प्रॉब्लम, देखो मैं उसमें इग्नोर इट। तो फिलहाल तो हम करके आगे जा रहे हैं। तो फिलहाल तो हम लोग जा रहे हैं, यहाँ हमें अच्छी खासी लूट मिल रही है। बहुत बोर करने वाला गेम प्ले है, पर भैया फिर भी लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मतलब आपको फोर्स नहीं कर रहा, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर दो नो प्रॉब्लम ऑफ इट, पर दुआ करूँगा भैया अभी ये गेम प्ले बस बहुत तट्टी गया, लेकिन अगला गेम प्ले जब आएगा वो बहुत अच्छा करता हूँ। मैं फोर्स नहीं कर रहा, अगर गंदा लगे तो डिसलाइक कर दो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर अच्छा लगे तो भैया लाइक भी करना है। इसमें मैंने ट्रिक भी बताई है आपको, देखना ज़रूर अगर आपको स्क्वाड पे रश करना है। लेकिन बाद में मेरे साथ बहुत गंदा हादसा हो जाता है स्कूल में अंदर, तो फिलहाल तो मुझे आगे मिल गई थी बाइक ट्रिपल सीटर, लेकिन आगे जाके मुझे यूएसबी मिल जाती है।
तो उन्हें टीममेट को कहता हूँ भैया बैठ जा। फिलहाल तो हम लोग आराम से आगे बढ़ ही रहे हैं, नो प्रॉब्लम हो रही है, लूट हम लूट कर रहे हैं, लेकिन भैया मुझे अभी तक ढंग की लूट नहीं मिली। हम लोग फिलहाल तो आगे आगे बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। दुश्मन आगे मारो हल्दम मुड़, आगे मारो हल्दम मुड़, आगे मारे दम जाने के चलो यहाँ पर आपको एक रैप सुना देता हूँ। 3, 2, 1 आएगा अगर ड्रॉप आएगा तो घट लग के बैठा है तो पर्चे चुट खाएंगे फालतू फालतू का काम नहीं, अभी गेम प्ले है, गेम प्ले बैठेंगे। मैं टीममेट नहीं मारा, लेकिन फिर बाद में मेरा एक दोस्त कहता है कि भैया पीछे बंदा गाड़ी रोक ले, ठीक है भैया रोक लेते हैं। अब यहाँ से मैं फिलहाल उल्टा जा रहा था, मैं टीममेट के बाहर उल्टा जा रहा था, आपसे बोल लेते हैं। फिर पीछे फिर से बोलता पागल बंदा भैया क्या पर फिर तो मैं उल्टा जा रहा था बंदा को मारने, फिर बाद में कहता है कि भैया बंदा ने क्या महान आत्मा है बताओ। तो यहाँ पर फ्लैर हम उतर गए हैं, वो जगह बंदा मतलब नो स्कोप मिनी 14 को मार सकता है क्या, मिनी 14 हेडशॉट। आप किल बार भी देख सकते हैं, मैं 3 फिंगर हूँ, आप कौन से फिंगर है कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा। आप यहाँ पर फिलहाल उजी तो मैंने मिनी फॉर्म में फेंकी नहीं, क्योंकि उजी बस शॉर्ट रेंज में बादशाह है, लेकिन लॉन्ग रेंज में कुछ नहीं कर सकती, अचार है वो अचार लॉन्ग रेंज में। तो फिलहाल हम लोग तो मेरे दोस्त ने कभी घर में देख लिया, मैंने कहा नहीं भैया हम तो जाएंगे टेंट में जहाँ हमने पहले सोचने का जाया था, और वहाँ पर गए भी और मुझे केन नहीं मिल गई और अच्छी खासी लूट हुई और हीलिंग भी। आप सोच रहे होंगे मैं स्पीड बुश को नहीं दिया, क्योंकि स्पीड बुश बनाने से पेट्रोल ज़्यादा जाता है और मुझे पेट्रोल ज़्यादा खिलवाना नहीं था। तो फिलहाल आपको मैं कुछ आने वाले अपडेट के बारे में बता देता हूँ। पबजी पीसी में तो जब हमारा 0.19 अपडेट आया था उसमें 0.20 अपडेट आया, जिसमें कि लूट ट्रक है जो कि कोई पर्सन नहीं ऑटोमेटिकली चढ़ता, उस ट्रक को हमें सबसे पहले फोड़ना होगा, उस फिर उसमें कुछ डिब्बे निकलेंगे लाइक अ ड्रॉप, आप उससे लूट सकते हो, आप उसमें गिली सूट लेवल 3 के रेस्ट वेस्ट एक्सट्री वेपन्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला, और गिली सूट और एक नया बॉम्ब सूट आएगा इरांगल पेल सॉरी पेलो 2.0 में, जो कि पबजी मोबाइल में जल्दी लॉन्च होगा इसी सीज़न में आई थिंक, अगर सीज़न में नहीं हुआ तो भैया आप फिर बहुत देर लगे। और तो और फिर वो भी आने वाला है, उसमें सैनहॉक 2.0 इन द पीसी और जल्दी वो लॉन्च होने, और फिर एक उसमें ग्लाइडर भी है जिसमें हम 2 सीटर्स हैं, और फिर एक एक्सक्लूसिव वो क्या बोलते हैं उसे
आइटम्स भी आएंगे कि एक एक्सप्लोसिव आइटम में अगर हम एक गाड़ी में लगाओ लाइन से छह गाड़ियां लगा लो तो उन छहों के फोड़ देगा। अभी तो फिलहाल तो हमारे पास स्मोक, स्टन, मोलोटोव और ग्रेनेड बस। अभी आराम से हम लोग यहाँ टेंट में आ गए। M4 थी लेकिन मुझे चाहिए थी, लेकिन मेरे टीममेट ले लेते हैं M4। इसमें भी M4 निकलती लेकिन वही मेरा टीममेट ले लेता वापस से। इसमें मुझे दो कैनन मिलती और एक पिंक सूट। अब ये दो कैनन और एक पिंक सूट मैं अपने टीममेट को मार करने की कोशिश करता हूँ लेकिन मार के नहीं होता यार, बड़ा झंडा मजा क्या मार को। मुझे मार क्या करना है, मार क्या हो रहा है अभी झंड किसने, मुझे इसे केनन से धरना था लेकिन इसने धर दिया। मैं माइक में बोलता हूँ मुझे यहाँ पर केनन से मार्क कर रहा हूँ। फिलहाल तो लूटो में लूट ही चल रही है। यहाँ पर इस जगह पर आपको पूरी लेवल 3 की लूट और जो भी आपको इम्पोर्टेंट सामान चाहिए वो वहाँ पर आराम से आपको मिल सकता है। तो आप यहाँ आ सकते हो टेंट में सर्वाइवल करने के लिए। इसके बाद मैंने एक गेम प्ले लगाया था, इसमें मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। उसमें भैया मैं उतरा, हमारे वहाँ कोई बंदे नहीं है लेकिन उधर मैं देखा ना पूरे 2 स्क्वाड्स थी। समझ नहीं आ रहा था मैं उठाऊं क्या, स्कार मिल रही थी मुझे, बहुत अच्छी अच्छी गन मिल रही थी, मैं समझ नहीं आ रहा था मैं उठाऊं क्या, लेकिन मैंने DP और लो भैया यहाँ पर लेवल 3 की वेस्ट भी मिल रही थी। मतलब यहाँ पर इतनी अच्छी लेवल 3 की लूट्स मिल जाती कि आप यहाँ आराम से लैंड होकर अपने पूरी टीम के साथ लूट कर सकते हो। बाई चांस आपको लूट नहीं मिलती तो आप जो लाइटनिंग है वो कोई भी नहीं हो रही, तो आप बोलते भैया तुम जाओ मैं बाद में आया था, तुम लाइटनिंग करके सारी लूट लेके यहाँ से चले जा सकते हो। फिलहाल हम लोग स्क्वाड हाउस में आ गए, मुझे कोई मतलब नहीं था लूट से तो मैं आराम से बैठा रहा। फिर मेरे टीम में भैया बहुत अच्छी लूट है अंदर आ रही, जैसे मैंने देखा यह मुझ पर रेड जोन है, फिर देखो मैं रिएक्शन क्या होता है। यहाँ मेरी स्क्रीन उल्टी हो गई थी, मैंने ठीक कर दी। पर आराम से लूटे में लूट चल रही है, मैं 7.1 की सीजन है वो चीज़ तो आके ले लूँ। यहाँ पर आराम से लूटे में लूट हो रही थी। चलो यहाँ पर आपको एक ट्रिक बताता हूँ मैं,
और मान लो यहाँ पर आके ऊपर स्क्वाड है तो आप सीधे जाके वहाँ पर रच कर दोगे, राम मर जाओगे अगर आपको पता नहीं हो कानपुर। अब यहाँ पर जाओ, यहाँ पर क्राउच हो जाओ ताकि उन्हें दिखे ना। फिर अगर आप यहाँ से दरवाजे के ऊपर से सीढ़ी मार सकते हो तो मार दो, नहीं तो यहाँ ऊपर चढ़ के आप इजी पीजी पेल सकते हो। अगर उन्होंने हेडफोन नहीं लगाया तो उन्हें पता चल जाएगा तुमने दरवाजा खोल के यहाँ पर चढ़ रहे हो और तुम्हें ख़त्म कर दे। बस देखो भैया यहाँ पर मेरे क्या लैग होता है, मैं आराम से गाड़ी बाहर निकाल सोच ही रहा था। बस तुम देखो मैंने क्या ही आ रहा था मेरे दिमाग में, कुछ समझ नहीं आ रहा था मेरे दिमाग में, आई क्या रहा था इसमें, मैंने ऐसे तट्टी ड्राइविंग नहीं आ सकती। चला ले मैं चलाई नहीं जा रही, मेरा लैग हो रहा है। मतलब देखो मैं दबा साइड का रहा हूँ लेकिन दबा अभी भी वहाँ पर है। देखो भैया अब इसमें मैं कैसे चला, मैंने कहा भैया तुम चलाओ, मेरा बहुत गंदा लैग हो रहा है। तो मैंने कहा भैया स्कूल में ले चलो, स्कूल पे रोक लेते हैं आराम से। मैंने एक गैस कैन उठा लिया ताकि मैं इसमें गैस भर सकूं। आपको एक और नया अपडेट के बारे में बता देता हूँ जो कि 20.20 में आएगा, उसमें एक नया गैस कैन का रूप आएगा जैरी कैन। उसका आप ऑयल जो है वो नीचे गिरा सकते हो, 7 सेकंड में मर जाएगा और आप उसमें गोली मार के ग्रेनेड मार के मॉल्टो मार के उसे जला सकते हो। जो कि मुझे उसकी टाइमिंग तो नहीं पता कितनी देर तक वो जलेगा, इतना पड़ता है वो 7 सेकंड के अंदर अंदर आप उसमें आग लगानी होती है, नहीं तो वो उड़ जाएगा। मैं ऐसे पबजी पीसी खेल रहा था एक बार, मैंने जेरी कैन नीचे गिरा दिया और उसका ऑयल नीचे गिरने लगा, और नीचे गिरने के बाद मेरे टीम ने क्या किया उसमें आग लगा दी और आग तो मैं जेरी कैन वापस से उठा ही रहा था और मैं मर गया। ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते हो, कि आप रिपोर्ट करते हो या कुछ और करते हो, कमेंट सेक्शन में बताओ। टीममेट वहाँ चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, चढ़ नहीं पा रही थी, लेकिन मैं देखो भैया एक ही बार में लेज ग्रिप से चढ़ जाता हूँ। आप भी यहाँ चढ़ सकते हो अगर आपको यहाँ पर स्क्वाड रश कर दिए, यहाँ आओ ऐसे जाओ ऐसे करके, ये देखो मुझे भी लगा था मैं चढ़ पाऊँगा लेकिन मेरी लेज ग्रिप बहुत मार गई। ये देखो अब यहाँ से बहुत अच्छा स्नैपिंग स्पॉट था ये, फिर मैं अपने दोस्त को कहता हूँ भैया मेरे पीछे आना तो ये बहुत सच मस्ती दिखता है। उसके पहले मैं लाइटनिंग करके आता हूँ, उसके बाद तेरे को पता था वहाँ पर बंदे भी थे, एक का हेड भी दिखता, उसकी एक हेड पड़ती भी लेकिन नॉक नहीं हुआ। डोंट नो व्हाई मैंने एक लेवल से कि वेस्ट नहीं किया, तो मैंने कहा भैया तुम मेरे टीम में तुम आके ले लो यहाँ पर लेवल से कि वेस्ट नहीं, तुमसे भैया हाँ पर नहीं लगा हूँ और तू पहले नहीं बड़ी को नो प्रॉब्लम ना, बस नाइन एम नाइन नाइन क्या ही माँ को। तो फिलहाल तो हम लोग आगे 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 बढ़ते जाओ कदम कदम बढ़ाए जाओ कदम कदम। लेकिन मैं गलत बिल्डिंग में आया, फिर मुझे बाद में चला गया गलत बिल्डिंग में, अपने टीम को ट्रिक पता चल, मैंने कहा फिर भैया मेरे पीछे आ, मैं गलती से गलत बिल्डिंग में आ गया तो मैं पीछे आ। आराम से हम लोग तबड़ी की काटी तबड़ी की घोड़ी घोड़ी की डुम पे जो मारी हटोड़ी तबड़ी 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 मैं यहाँ आ
देख ऐसे चढ़, ऐसे देख, ऐसे ऐसे चढ़, ऐसे जाने के बाद 1 2 3 गो, फुली परफेक्ट लैंडिंग। पहले यहाँ पर आने में हेल्थ लो हो जाती है, क्योंकि यहाँ इस बिल्डिंग की हाइट थोड़ी बढ़ाई गई है अपडेट के बाद। यहाँ पर उस बंदे को मैं ढूंढ रहा होता हूँ और मुझे उसका खोपड़ा दिखता है बाद में, जैसे मैं टीममेट मार्क करता हूँ उसकी लोकेशन में, वहाँ पर स्कोप खोल कर देखता हूँ। तो मैंने कहा भैया रेस करते हैं, फिर मैं टीममेट कहता नहीं, फिर मैं दूसरे टीममेट कहता भैया डरता है क्या, मतलब उनकी बात मान लेते हैं। फिर वो लोग बोलते चलो इनकी बात मान लेते हैं, ठीक है नो प्रॉब्लम, बैठ भैया गड्डी में बैठ लो, बैठ लो बैठ लो बैठ लो गड्डी में बैठ लो, गड्डी में आ बेटा आ मुन्ना आ आ ना आ। देख भाई अभी देखना क्या होगा यहाँ पर, हाँ बस एक फुटस्टेप देता है ताकि उसे उन्हें लगे बस एक बंदा, और देखना उनकी चला के देखना बस तुम। फिर मैं देखता हूँ मेरा टीममेट ना को, और हमें भी इस कैंपर के सच में लोकेशन नहीं पता चल रही थी, हाँ बाहर जा नहीं सकता क्योंकि पता था वो वहाँ पे लोकेशन देख रहा है, ऊपर एक ग्रेनेड गिरा बहुत तगड़ा वाला, तगड़ा कहते ना वैसे ग्रेनेड गिरा ना, आगे जा रहा हूँ पूछ रहा लोकेशन बता दे, लोकेशन बता दे, लोकेशन बता दे, लेकिन ना यार मुझे अपनी लोकेशन बताया नहीं, नहीं है बंदा का है, फिर चले जाता हूँ, फिर देखना पीछे गंदे पड़ती है ना। अदो होता है थोड़ी देर में देखना वो होता है, मैंने कहा भैया वहाँ पर कोई मेरी बात नहीं सुनता, नो प्रॉब्लम भाई नहीं सुनता, मत सुन नहीं कर जा रही।